हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का बॉर्डर आज हम बनाएंगे। बहुत ही इजी है, आप वीडियो पूरा देखें और समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊन बता देते हैं किस कौन सी है। ये वर्धमान की ऊन है, इस तरह की जो आप देखी होगी, कॉमन है। और ये है 10 नंबर की नीडल्स में बनाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम फंदे लेते हैं तो इसको डबल कर लेते हैं या ट्रिपल कर लेते हैं इस तरह से, तो ये कुछ नहीं करना है। इस तरह से सिंगल धागे से, जैसे हम सिंगल फंदे लेते हैं, आप कैसे फंदे बनाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसे बनाती हूँ। ये लिया और इसको इधर से करके ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह से मैं बनाती हूँ, जैसे इधर से फोल्ड कर लिया, ये कर लिया और इस तरह से ये वाले इसमें फंदे डालेंगे, तो ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। इसी तरह से हम फंदे लेते देंगे, ये देखिए ये सिंपल फंदे हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल फंदे आएंगे। तो जैसे कि मैं जो ये स्वेटर बना रही हूँ, इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने अभी दिखाया था आपको, तो उसमें मेरे टोटल फंदे हैं 105, ठीक है। तो उसके आधे कितने होते हैं, या तो 53 होंगे या तो 52 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने 53 लगा रखे, एक ज्यादा ही लगा लिया है, तो 53 इसमें मेरे 53 फंदे हैं, ठीक है, बिल्कुल आधे फंदे हैं। उस बैक साइड के जो पार्ट के सिर्फ आधे फंदे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। और इसमें अब मुझे 10 और प्लस करनी है, ठीक है, 63 बनानी है मुझे। तो मैं कैसे बनाऊंगी इनको 63, आप देखिए इसमें टोटल मेरे 53 फंदे हैं। तो इनको मैं बना लूंगी, 53 ही फंदे बनाऊंगी मैं, 53 फंदों का ही मैं बॉर्डर बनाऊंगी। जो कि हम इस बॉर्डर को जब हम यहाँ से नीचे थोड़ा सा बना करके नीचे से भी खोलते हैं, ऊपर से भी, उन दोनों हिस्सों को हम एक करते हैं, तो वहां पे मैंने 10 और बढ़ा देने फंदे। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी बढ़ाऊंगी आप देखना। यहाँ पे मेरे, मैंने फिर बता रही हूँ, मैं बैक साइड में जो हमारे फंदे होते हैं उसके आधे फंदे एक साइड को लेने हैं, प्लस उसमें 10 एक्स्ट्रा करने। तो आप 10 एक्स्ट्रा जो अगर ऐसा बॉर्डर बना रहे हो, अगर आपको ये वाला बॉर्डर बनाना है, ठीक है, ये वाला बॉर्डर बनाना है, तो आपको 10 माइनस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जाकर के फंदे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 10 फंदे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बढ़ाए। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए बताती हूँ मैं आपको ये वाला बॉर्डर कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे, जो पहली रो है उसे सीधी ले लेंगे, पहली रो सीधी, दूसरी रो उल्टी, तीसरी रो सीधी, इस तरह से चार रो बना लेंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा आएगा, पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं हम इसको। फ्रंट रो जो है सीधी सीधी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, पहली रो। अब हम बैक रो करेंगे कंप्लीट इसको, ये आएगी उल्टी उल्टी इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिए बैक रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, सेकंड, ठीक है, सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब आएंगे हम थर्ड रो पे, जो आएगी हमारी सीधी सीधी, कुछ भी नहीं करना, चार रो हमको ऐसे ही बनाने सीधे सीधे। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रंट वाला जो सीधा है वो भी कंप्लीट कर दिया। अब ये आती है लास्ट रो उल्टी वाली, ठीक है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए चार रो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब चार रो के बाद हमको देनी है यहाँ पे जाली। पहला हम बना लेंगे
सीधा, धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, ठीक है। हर बार यही करेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक। पूरी रो हमको यही करनी है, धागा आगे करके जाली देते हुए फंदा भी कम करना है हमको, धागा आगे और दो फंदों का एक। इसी तरह रो कंप्लीट कर लेंगे, आ गया होगा आपके, आपको समझ में, धागा आगे करना है और ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों को एक कर लेना है, ठीक है। फिर धागा आगे करना है, तुरंत ही करना है, कोई और हमको नहीं बनाना है, धागा आगे करना है और दो फंदों का एक करना है। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं, तो रो कंप्लीट कर लिया हमने इस तरह से जाली देते हुए दो का एक करते हुए। अब हमारी बैक रो आएगी, जैसे हमने यहाँ पे चार रो कंप्लीट किए हैं प्लेन प्लेन, अब ऐसे ही हमको यहाँ से भी प्लेन प्लेन कंप्लीट कर लेनी है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा, ठीक है। ये रो हमारी उल्टी आएगी टोटल, हमको वो भी बनाना है जो हमने जाली में लिया था और जो दो का एक किया वो भी, सारे टोटल ही फंदे हमको इसी तरह से बना लेने। तो इसी तरह से हमने बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट रो में आएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे। तो एक रो हो गई हमारी, अब ये दूसरी रो है। इस रो को भी सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है, अब आएंगे तीसरी उल्टी रो में। दोनों तरफ चार चार रो बनानी है हमने। ये उल्टी रो हमारी क्या है, तीसरी है, ठीक है। ये देखिए तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम लास्ट रो पे आए, चौथी रो पे। चौथी रो भी हमारी सीधी सीधी आई, और लास्ट रो हमारी, जैसे ये धागा आपने लास्ट देखा होगा, तो ये धागा इस साइड और हमारी नीडल इस साइड होनी चाहिए। तो चौथी रो कंप्लीट करके आते हैं। बस ये हमारी जो चौथी रो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब हमें करना क्या है, यहां से हमको खोलना है ये वाली जो फर्स्ट हमने फंदे डाले थे, इसीलिए हमने सिंगल धागे में फंदे लिए थे, तो ये हमको खोलने हैं यहाँ से। तो देख लेंगे अच्छे से, ये देखिए इस तरह से खुलता जाएगा ये। एक जगह से शुरुआत करेंगे तो ये अपने आप खुलता जाएगा सारा का सारा। ये देखिए फंदे आ रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह से खोलते जाएंगे हम। इस तरह से सारे खोल लेंगे। और अगर आपको अंदाजा नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो गए हो बहुत ज्यादा कि मैं इसको कैसे करूं,
तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक एक फंदा उठा लीजिए यहाँ से, ये देखिए, ये जो हमारा ये तिरछी लाइन गई है ना, इसको उठा लीजिए ऐसे, आपसे खुल नहीं रहा तो ठीक है, ये देखिए इस तरह से उठाइए और यहाँ पे ला करके इस तरह से हम बंद करेंगे, अगर आपसे खुल नहीं रहा तो, नहीं तो अगर आप खोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो फंदे खुलते हैं ना, उससे क्या होता है, स्टिचेबल हो जाता है, इससे थोड़ा टाइट रहेगा बॉर्डर, लेकिन जैसे हम फंदे खोल करके भर के उसको बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सारे खोल दिए, थोड़ी सी नुकीली नीडल्स ले लीजिए, या तो आप खोलते जाइए और फंदे भरते जाइए, या तो आप धीरे धीरे सारे खोलने के बाद एक साथ इस तरह से फंदे भर लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो कम होते हैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, ज़्यादा होते हैं तो फंदे ना गिरने का डर रहता है फंदों का, और ये वाले फंदे अगर गिर जाए ना मुश्किल होती है, तो इसलिए इनको धीरे धीरे से खोलिए और इस तरह से धीरे धीरे से नीडल में चढ़ा लीजिए। सारे फंदे चढ़ा लेती हूँ मैं, तो ये देखिए दोनों साइड के फंदे हमने इस तरह से भर लिए हैं और दोनों नीडल्स का मुंह एक तरफ है। अब क्या करेंगे, अगर हम इनको एक एक करके बनाते हैं तो हमारे डबल फंदे हो जाएंगे। कोई बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो जैसे जिनको 100 चाहिए तो 50 ही फंदे डालते हैं, और क्या होगा 50 तो है ही ऊपर, 50 नीचे से आ जाएंगे, और एक एक करके सिंगल सिंगल बनाएंगे तो 100 फंदे हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है बॉर्डर ऐसे खींचा हुआ आ जाता है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, 50 फंदे चाहिए तो 50 ही डालते हैं और डबल डबल कर लेते हैं, उसमें क्या होता है काफी घना सा आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 50 फंदे होते हैं तो उसमें 10 फंदे कम ले लेती हूँ, तो अगर हमको यहाँ पे चाहिए, हम मुझे 63, लेकिन मैंने ऐड किए हैं इसमें 53, तो हम इनको 63 कैसे बनाएंगे ये देखिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम 2 का 1 करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 फंदों का 1 करते हुए चलते हैं इस तरह से, तो ये बराबर फंदे आएंगे, ठीक है। 2 फंदों का 1 कर दिया, 1 फंदा हो गया, 2 फंदों का 1 कर दिया, 2 फंदे हो गए, हमारे जितने हैं उतने ही आएंगे, जितने हमने डाले थे 53 डाले थे, तो 2 फंदों का 1 करने में हमारे 53 ही रह जाएंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पे हो गए 4 फंदे, ठीक है, 4 फंदे हमने 2 का 1 करके कर दिया, और 1 हम क्या करेंगे, 4 के बाद 1 ये सिंगल ले लेंगे, 1 ये सिंगल ले लेंगे, सिंगल सिंगल लेने से क्या होगा, एक फंदा बढ़ जाएगा, तो हमें ये 10 बार करना है, ठीक है। अपने अंदाजे से कर लीजिए, आपको 4 फंदे 5 फंदे बनाने के बाद, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 फंदे, ठीक है। 5 फंदे तो मैंने डबल डबल बना दिए, उसमें मैं एक फंदा क्या करूंगी, सिंगल करूंगी, एक सिंगल और ये भी सिंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया, तो मेरे कितने फंदे बढ़ गए, 1 और 2 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हम 10 फंदे बढ़ाएंगे, तो 2 फंदे बढ़ गए मेरे, 8 फंदे मुझे और बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, ऐसी 4 या 5 फंदे डबल करके बनाऊंगी, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक यहाँ पे मैं फिर सिंगल सिंगल ले लूंगी, ये उस वाले नीडल का अलग बनाऊंगी और इस वाले नीडल का अलग, तो यहाँ पे मेरा एक फंदा और बढ़ गया, तो अब हमारे टोटल कितने फंदे बढ़ गए, 3। इसी तरह से मैं 10 फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पे आती हूँ, thank you.
ये देखिए, फंदे हमने लिए थे 53 और ऊपर आ गए हमारे 63। इसी तरह से फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके 50 फंदे होंगे तो आप 10 बढ़ा सकते हो, ऊपर 60 कर सकते हो। अगर आपके 100 फंदे होंगे, आपको अगर 120 फंदे लेने हैं तो नीचे 100 ही कीजिए। इसी तरह से ज्यादा, मतलब 50 फंदों में आप 10 फंदों का बढ़ा सकते हो, 10 फंदों को बढ़ा सकते हो। जब आपको 50 फंदों का, अगर आपको 60 फंदों का बॉर्डर बनाना है तो आप नीचे 50 ले लीजिए। अगर आपको 65 फंदों का बनाना है तो नीचे आप 50 और दो तीन ज्यादा ले लीजिए, 50 53 54 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है एकदम परफेक्ट जो बॉर्डर होता है। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये बैक साइड का आ जाएगा जहाँ पे हमारा ये वाला पैटर्न आया है उल्टा वाला, और ये बन जाएगा आपका फ्रंट साइड का पैटर्न। इसको हम उल्टा उल्टा ही ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो हम बनाते दो तीन रो बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे ही उल्टा आएगा, दोनों तरफ उल्टे ही आएंगे, सीधी तरफ भी उल्टी तरफ भी, जो कि हमको इस तरह से आएगा। देखिए, सीधी तरफ भी हम उल्टा बनाएंगे, उल्टी तरफ भी उल्टा बनाएंगे। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए तैयार हो चुका है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सिंपल है। पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया कितने फंदे डालेंगे। तो ये दोनों पार्ट के मैंने, जो फ्रंट पार्ट के होते हैं, दोनों ही मैंने तैयार कर दिए हैं। कैसा लगा आपको ये बॉर्डर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका पार्ट नंबर 2 या 3 आप देख लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको पूरे वीडियो मेरी मिल जाएंगी उसी में, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।